कल हम लोगों ने पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, कल हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में पढ़े थे कि इसको बी से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसका टेस्ला होता था, सीजीएस यूनिट इसका गॉस होता था। 1 टेस्ला इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस होते थे, 1 गॉस इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला होता था, होता है, ये बात कर लिए थे कल। कल मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़े थे, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाले थे क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और ये हो गया था क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है बोथ किस किस पे, वेलोसिटी एंड फील्ड पे, ये भी बातें कर लिए थे कल, ये बातें भी कल हो गई थी। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं, इसी में दो तीन कंडीशंस है। पहला कंडीशंस तो हम लोग कल कर चुके थे, फिर से हम एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। थीटा इक्वल टू जब 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब जो चार्ज है उसको जिधर वेलोसिटी दिया गया है उसी डायरेक्शंस में अगर मैग्नेटिक फील्ड हो, जो चार्ज है उसको जिधर वेलोसिटी दिया गया उसी डायरेक्शंस में अगर मैग्नेटिक फील्ड हो, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता है। और ये सेम केस 180 डिग्री में भी होता है, ये सेम केस 180 डिग्री में भी होता है, मतलब एंटी पैरेलल में भी मैग्नेटिक फोर्स फोर्स नहीं लगाता है। इसका मतलब ये है कि चार्ज को हमने जिधर फेंके वो उधर ही कंटिन्यू रहेगा, मतलब पाथ ऑफ चार्ज स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, पाथ जो है चार्ज का वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, मोशन अनडिफ्लेक्टेड होंगे, मोशन अनडिफ्लेक्टेड होंगे, अनडिफ्लेक्टेड होंगे मोशन, ये कल बता चुके थे, उसको रिपीट कर दिए। दूसरा केस हम लोगों ने पढ़े थे कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी कल कर चुके थे। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में, थोड़ा इसको और डिटेल में आज कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में फोर्स की वैल्यू, थीटा इक्वल टू 90 का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, और अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर हो तो उस वक्त फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और वो हो जाएगा क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती, ये मैक्सिमम फोर्स है। और ये फोर्स जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर रहने वाला है, एक्चुअली में मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर रहने वाला है ऑन बोथ वेलोसिटी एंड फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स जो है परपेंडिकुलर हो किस पे, वेलोसिटी पे, तो पाथ जो होगा वो सर्कल होता है, जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है, पाथ जो होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। मतलब किस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मैंने कंसिडर किया, मान लीजिए यहाँ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें एक चार्ज पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूँ, एक चार्ज पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूँ क्यू, और इस क्यू को वेलोसिटी दे दिया इधर, तो जैसे वेलोसिटी इधर दिया तो इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा इधर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा इधर की तरफ, ये चार्ज फिर इस फोर्स की वजह से ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा जिसका एक सेंटर होगा, ये उसकी रेडियस हो जाएगी, ये उस सर्किल का रेडियस हो जाएगा। तो अगर सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाऊं मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो सर्कुलर मोशन के हिसाब से ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, और जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वो है क्यू वी बी, और सेंट्रीपेटल फोर्स होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इस हिसाब से यहाँ से देखिए आर की वैल्यू आ जाएगी, वी और वी एक कैंसिल हो गया, एक वी और एक वी कैंसिल हो गया, ये हो गया आर की वैल्यू एम वी बाय क्यू इंटू बी, एम वी बाय क्यू इंटू बी, ये हुआ क्या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये हुआ क्या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। बताइए क्या आप सभी को इतना समझ में आया है तो बताए हाँ या ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ समझ में आया है तो बोलिए हाँ या ना, कमेंट करके जल्दी से बताइए। सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग, विभूति गजबीये जी, आशय श्रेयस्कर, शिवानी बिसेन, वैश्वी भगत, प्रियंका हार्डे, मृदुला मंडे, हिमांशु तंडेकर, मोहित ठाकुर, गुणांक कटरे एंड ऑल, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। इतना समझ में आया क्या रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आ गया, मतलब एक चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक रहे हैं और वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर हो, तो वो चार्ज ऑलवेज कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और उसकी रेडियस होगी एम वी बाय क्यू इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी बाय क्यू इंटू वी, एम इंटू वी बाय क्यू इंटू वी, ये हो गया उस पाथ का रेडियस। ओके, तो यहां से अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि रेडियस ऑफ सर्कल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मतलब मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बोलेगा एक अल्फा पार्टिकल और एक इलेक्ट्रॉन को फेंक दिए, या एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल को फेंक दिए, या एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को फेंक दिए, इस तरीके का चीजें इस पे क्वेश्चन बेस्ड आता है, किसका रेडियस बड़ा किसका रेडियस छोटा सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिए। तो ये सब चीजें इसी रिलेशन से बनते हैं, हम क्वेश्चंस बनाएंगे आने वाले समय में ताकि आपको और क्लियर हो, क्वेश्चंस हम बनाने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन का बोलेगा, कभी बोलेगा लिथियम प्लस प्लस आयन को फेंक रहे हैं, हीलियम प्लस प्लस आयन को फेंक रहे हैं, कभी बोलेगा अल्फा फेंक रहे हैं, प्रोटॉन फेंक रहे हैं, किसका रेडियस बड़ा किसका रेडियस छोटा कंपेयर करने के लिए। तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है, इसी से कंपेयर होता है, इसी फॉर्मूला से, रेडियस प्रोपोर्शनल टू मास होता है, जिसका मास ज्यादा उसकी रेडियस बड़ी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी रेडियस बड़ी, जिसका चार्ज ज्यादा उसका रेडियस कम, जहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उसकी रेडियस कम, इस तरीके से ये रिलेशंस निकाले जाते हैं। क्या आपको समझ में आ गया ये? अब इसका टाइम पीरियड टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 2πr/v, 2πr टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसको देखिए 2πr/v, 2π r इंटू वी के जगह पे ये पूरा, या फिर r के जगह रख दीजिए 2πr/v, r के जगह पे ये पूरा mv/qb। तो देखिए vv कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2πm/q/b। ये टाइम पीरियड है, मतलब इतना टाइम लगता है चार्ज पार्टिकल को, इतना टाइम लगता है चार्ज पार्टिकल को सर्किल को कंप्लीट करने में, इतना टाइम लगता है चार्ज पार्टिकल को सर्किल को कंप्लीट करने में, मतलब देखिए ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखिए, इतना समय लगता है चार्ज पार्टिकल को पूरा सर्किल को कंप्लीट करने में, यही समय लगता है 2πm/q/b, 2πm/q/b। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई रेडियस नहीं है, रेडियस छोटा हो बड़ा हो, वेलोसिटी कम हो ज्यादा हो, उससे टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, चार्ज पे एंड मैग्नेटिक फील्ड पे, मास पे, चार्ज पे एंड मैग्नेटिक फील्ड पे। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये यहाँ से क्लियर हो रहा है, आप दिमाग में बैठा लेंगे कि टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के। यहीं पर इसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय टाइम पीरियड हो जाएगा qb बाय 2πm, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड qb बाय 2πm। देखिए ये भी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का ज्यादा है या कम है उससे जो है टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और मास पे। ठीक है, लिख डालिए आप इसे, जल्दी से फटाफट इसे नोट कर ले। जल्दी से लिखें। इस फ्रीक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, साइक्लोट्रॉन हम लोग पढ़ने वाले, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। हो गया क्या छप करके? क्या आपका हो गया है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा कंडीशंस, व्हेन थीटा अदर देन
जीरो एंड 90, मतलब थीटा जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, इसके बीच में कुछ और रहे, ना जीरो रहे जो ना 90 रहे, तो क्या होगा? तो जैसे कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट v cos थीटा जिसको v पैरेलल कंपोनेंट कहते हैं, और एक कंपोनेंट v sin थीटा जिसको v परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं। अब आप देखिए, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से जो होगा, इसके वजह से सर्कुलर पाथ होंगे। अभी थोड़ी देर पहले देखे हमने कि परपेंडिकुलर के वजह से पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, इसके वजह से सर्कुलर पाथ होंगे, और इस पैरेलल के वजह से स्ट्रेट लाइन पाथ होंगे। ये पैरेलल के वजह से स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, इसका मतलब ये हुआ कि पाथ कैसा होगा, जैसे यहाँ चार्ज पार्टिकल है, यहाँ चार्ज पार्टिकल है मान लो, तो ये चार्ज पार्टिकल जब तक कि सर्किल कंप्लीट करेगा तब तक वो थोड़ा आगे जाएगा, जब तक सर्किल कंप्लीट करेगा तब तक वो थोड़ा आगे पहुंच जाएगा, थोड़ा आगे पहुंच, जब तक सर्किल कंप्लीट करेगा तब तक वो थोड़ा आगे पहुंच जाएगा, जब तक सर्किल कंप्लीट करेगा तब तक थोड़ा वो आगे पहुंच जाएगा, सर्किल कंप्लीट करेगा आगे पहुंच जाएगा, सर्किल कंप्लीट करेगा आगे भी बढ़ेगा, सर्किल कंप्लीट करेगा आगे भी बढ़ेगा, इस टाइप का पाथ होता है। तो नेट पाथ जो होगा, नेट पाथ वो कैसा होगा, ऐसा, इसको कहते हैं हेलिकल पाथ, इसको कहते हैं हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, ये स्प्रिंग टाइप हुआ, हेलिक्स भी बोलते हैं इसको, हेलिक्स भी बोलते हैं इसको, ये स्प्रिंग टाइप हुआ, स्प्रिंग टाइप, स्प्रिंग देखे ना आप लोग, स्प्रिंग टाइप। इसमें पार्टिकल जब तक कि चार्ज पार्टिकल जब तक सर्किल कंप्लीट किया तब तक यहाँ पहुंच गया, फिर अगला सर्किल जब तक कंप्लीट किया तब तक यहाँ पहुंच गया, फिर अगला सर्किल जब तक कंप्लीट किया तब तक यहाँ पहुंच गया, नेक्स्ट सर्किल जब तक कंप्लीट किया वो यहाँ पहुंच गया, नेक्स्ट सर्किल जब तक कंप्लीट किया वो यहाँ पहुंच गया। तो इसमें जो ये है, मतलब एक सर्किल कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, टाइम पीरियड इन वन सर्किल, तो टाइम पीरियड हो जाएगा, सर्कुलर मोशन इसके वजह से हो रहा है, तो इसके वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई एम बाय क्यू इंटू वी, ये टाइम पीरियड है, इसमें वेलोसिटी का तो कोई रोल ही नहीं है, इसलिए टाइम पीरियड तो इतना ही होगा, इसमें वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, नो रोल ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का तो कोई रोल है ही नहीं टाइम पीरियड में, ठीक है, दिया गया टाइम पीरियड, इतना समय में इस वेलोसिटी के वजह से, मतलब चार्ज पार्टिकल जब तक कि सर्किल कंप्लीट होगा तब तक ये वेलोसिटी की वजह से थोड़ा आगे भी जाएगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसे पिच कहा जाता है, इसे कहा जाता है पिच, PITCH, पिच, पिच का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, पिच का मतलब हुआ डिस्टेंस ट्रेवल बाय चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, इसको कहते हैं पिच। ये पिच का लेंथ अगर डी मान लूं, पिच का लेंथ को अगर डी मान लूं, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी का इनटू टाइम पीरियड। वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट क्या है, वी कॉस थीटा, वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा, इनटू टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई m बाय q इनटू b, तो कुल मिला करके जो पिच हो गया वो हो गया 2 पाई m v cos थीटा बाय q इनटू b, ये हो गया लेंथ ऑफ पिच। क्या आपको समझ में आया, बच्चे बता दीजिए कि आप सभी को समझ में आया है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ गया है, क्या ये पिच का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको पिच का कॉन्सेप्ट क्लियर है। पिच का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, उसे कहते हैं पिच, ये हो गया 2 पाई एम वी कॉस थीटा बाय क्यू इनटू बी, 2 पाई एम वी कॉस थीटा बाय क्यू इनटू बी, 2 पाई एम वी कॉस थीटा बाय क्यू इनटू बी, ओके, 2 पाई एम वी कॉस थीटा बाय क्यू इनटू बी। अब नेक्स्ट है,
नेक्स्ट देखो आप, प्यारे बच्चों रेडियस की बात करूं तो हो जाएगा एम इंटू वी परपेंडिकुलर बाय क्यू इंटू बी। तो एम इंटू वी परपेंडिकुलर मतलब वी साइन थीटा बाय क्यू इंटू बी, ये हो गया रेडियस ऑफ हेलिक्स। रेडियस ऑफ हेलिक्स बना दे जल्दी से, बना दे रेडियस ऑफ हेलिक्स। बता दें जल्दी से, सबको समझ गया, जल्दी से नोट करें, छाप लें, जल्दी से छापें, जल्दी से छापें, फिर हम आगे की बात करेंगे। जल्दी से छापें प्यारे बच्चों, जल्दी से छापें प्यारे बच्चों, जल्दी से छापें। डन 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 डन। ओके, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज 100 माइक्रोकूलम्ब है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज 100 माइक्रोकूलम्ब है एंड मास उसका 10 मिलीग्राम है, मास उसका 10 मिलीग्राम, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज 100 माइक्रोकूलम्ब है, मास उसका 10 मिलीग्राम है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसकी मैग्नीट्यूड है 25 माइक्रो टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट कर दिया गया, इतना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट कर दिया गया विथ स्पीड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। देन टाइम पीरियड निकालना है एंड रेडियस ऑफ पाथ फाइंड करना है, टाइम पीरियड निकालने हैं रेडियस ऑफ पाथ फाइंड करने हैं। चार्ज पार्टिकल है 100 माइक्रोकूलम उसका चार्ज है, मास उसका 10 मिलीग्राम है, बी जो है 25 माइक्रो टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, प्रोजेक्टेड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। टाइम पीरियड निकालें, रेडियस निकालें, तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2πm बाय क्यू इंटू बी। तो 2π m की वैल्यू 10 मिलीग्राम, 10^-6 kg, मिली को कहेंगे 10^-3 और ग्राम को kg में 10^-3, तो -6, चार्ज की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम मतलब 10^-6 एंड बी की वैल्यू 25 माइक्रो मतलब 10^-6, ये -6 ये -6 कैंसिल हो गया, ये 100 का 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2π/25×10^-5, ये ऊपर चला गया 2π/25×10^5 को 100×10^3, 100×1000 ली देता हूँ, 8000π/s। रेडियस अगर निकालूँ R=mv/q×b, एम हो गया 10^-6, वी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड बाय क्यू इंटू बी, 100 माइक्रोकूलम इंटू बी 25 माइक्रो टेस्ला, 0 0 0 कैंसल, 1/25×10^6, तो ये हो जाएगा 4×10^4, इतना मीटर, 40 किलोमीटर। बताएं हो गया या नहीं हुआ।
नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है एंड एक अल्फा पार्टिकल है, तीन है, तीनों को प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, देन रिलेट देयर रेडियस। रेडियस को रिलेट कर दीजिए, किसका छोटा किसका बड़ा। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता, आर इक्वल टू एम बी बाय क्यू इंटू बी। देखिए बी तो सबका सेम है और वी भी सबका सेम है, वेलोसिटी भी सेम, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, तो ये तो सेम ही हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गए। तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू एम बाय क्यू। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, प्रोटॉन की बात करूं और अल्फा पार्टिकल की बात करूं, अल्फा पार्टिकल में मास डबली चार्ज हीलियम आयन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन का चार गुना, मास ऑफ प्रोटॉन का चार गुना 4m बाय डबली चार्ज 2e। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो मास m बाय e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज e। तो आप देखिए, आप इसको देखिए, ये हो जाएगा 2m बाय e, ये हो गया m बाय e, और ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय e। सब में नीचे e है, सब में नीचे e है। अब जिसका मास ज़्यादा उसकी रेडियस ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मास किसका, अल्फा का, द रेडियस ऑफ अल्फा ग्रेटर देन, उसके बाद प्रोटॉन का, रेडियस ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन, सबसे कम मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए हुआ या नहीं हुआ बताओ जल्दी से। हुआ या नहीं हुआ बताइए जल्दी से प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। एक क्वेश्चन है, अच्छा हाँ देखिए, चार्ज है 10 माइक्रोकुलम, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला और मास है 1 मिलीग्राम, देन रेडियस फाइंड करें, टाइम पीरियड फाइंड करें। जल्दी से बना दे, जल्दी से सॉल्व कर दें इसे। हो गया, चलिए तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे टॉपिक है। देखिए यहां क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में पकड़ता हूं मैं, इस रीजन में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया। ओके, अब इसमें एक वायर दिया, इसमें एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स की बात कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, इसका एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करता हूं डीएल, एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करता हूं डीएल, डीएल लेंथ कंसीडर करता हूं, छोटा पोर्शन कंसीडर किया डीएल। ओके, इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना आई, ठीक है। हम सभी जानते हैं करंट इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी होता है। बताइए आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, करंट चैप्टर में पढ़े हैं, बताइए आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, करंट चैप्टर में पढ़े हैं एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। तो इसके ऊपर रहने वाला चार्ज को मान लेते हैं डी क्यू, इस डीएल लेंथ में रहने वाला चार्ज को मान लेते हैं डी क्यू, तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा, तो इस डी क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स, या स्मॉल क्यू मान लो, स्मॉल क्यू चार्ज मान लो, स्मॉल क्यू चार्ज मान लो, तो इस स्मॉल क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो जो वेलोसिटी है वो कौन सा है वी डी, क्यू इंटू वी डी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी डी क्रॉस बी। अब देखिए सभी लोग, डायरेक्शंस क्या होगा, तो करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसलिए राइट हैंड थंब रूल लगाना है, वेलोसिटी करंट की मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज की वेलोसिटी इधर है पॉजिटिव की, और करंट अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसको ऐसे घुमाएंगे, ये वाला डायरेक्शन में फोर्स लगा, मतलब यहां जो फोर्स का डायरेक्शन है इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन ये है, ये बात क्लियर हो गया। क्यू चार्ज, तो इसके अंदर रहने वाला चार्ज कितना है, तो इसके अंदर रहने वाला चार्ज क्या, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू वॉल्यूम, तो इसमें एन नंबर ऑफ स्मॉल एन, इस चार्ज को लिखता हूं, ये क्यू को यहां लिख लेता हूं, Q इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस इंटू लेंथ डीएल, ये हो गया चार्ज। तो चार्ज की जगह पे लिख देता हूं एन इंटू ए इंटू डीएल इंटू वी डी इंटू क्रॉस बी, ये डीएल भी वो है, इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखियो एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, एन इंटू ए इंटू वी ई इंटू वी डी इंटू डीएल क्रॉस बी। ओके, देखिए टोटल चार्ज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल चार्ज हो गया इस पर्टिकुलर पार्ट में, वो लिख दिया मैंने, तो ये हो गया ई इंटू एन इंटू ए इंटू डीएल इंटू वी डी इंटू बी, तो यहां से एन इंटू ई इंटू ए इंटू डी, इसको कहते हैं आई, तो ये हो जाएगा आई इंटू डीएल क्रॉस बी, आई इंटू डीएल क्रॉस बी, तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया आई डीएल क्रॉस बी, फोर्स का फॉर्मूला हो गया आई डीएल क्रॉस बी, जहां ये आई डीएल जो है
जहां ये आइडियल जो है इसे करंट एलिमेंट कहा जाता है, इसे करंट एलिमेंट कहा जाता है, करंट एलिमेंट कहा जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला आ गया, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी, जहां आइडियल को करंट एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? करंट एलिमेंट। इस बात को ध्यान रखेंगे कि आइडियल को करंट एलिमेंट कहा जाता है। और अगर मैं ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो हो जाएगा आइडियल का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू साइन थीटा। ये हो गया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। क्या आप सभी को समझ में आ गया? इसमें इंपॉर्टेंट है डायरेक्शंस निकालना, इसमें इंपॉर्टेंट है डायरेक्शंस निकालना। कैसे निकालेंगे आप डायरेक्शंस? देखिए, जिस डायरेक्शंस में करंट जा रहा हो, जिस डायरेक्शंस में करंट जा रहा हो उसी डायरेक्शंस को आइडियल का डायरेक्शन कहते हैं। जिस डायरेक्शंस में करंट जा रहा हो उसी को आइडियल का डायरेक्शंस कहते हैं। डायरेक्शंस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शंस में करंट जा रहा हो उसी को हम आइडियल का डायरेक्शंस कहते हैं। जिस डायरेक्शंस में करंट जा रहा हो उसी को हम आइडियल का डायरेक्शंस कहते हैं। उधर अपन को ये हाथ डालने हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरह घुमा देने हैं, फोर्स का डायरेक्शंस आ जाएगा। उधर अपन को हाथ डालने हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा देने हैं, फोर्स का डायरेक्शंस आ जाएगा। समझ में आ गया क्या बातें? बताइए प्यारे बच्चों, समझ में आया या नहीं समझ में आया, बताओ प्यारे बच्चों, समझ में आया या नहीं समझ में आया ये बता दें। सभी नन्ने नन्ने मुन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आया तो बताएं। ये फॉर्मूला बड़े काम का है, आइडियल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ध्यान रखने हैं। एफ इक्वल टू आइडियल क्रॉस बी, एफ इक्वल टू आइडियल क्रॉस बी, एफ इक्वल टू आइडियल क्रॉस बी। एफ इक्वल टू आइडियल क्रॉस बी, नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ये है कि ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट जा रहा है 4 एम्पियर, इस वायर की लंबाई 2 मीटर है। जिस मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है उसकी वैल्यू 5 टेस्ला है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा? तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बना देता हूं। देखिए मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा करंट, आइडियल का डायरेक्शन यही हो जाएगा, तो आइडियल का डायरेक्शन ये हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो अगर आइडियल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसका मतलब दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 जीरो, तो आइडियल भी सीधा सीधा आई इंटू डी एल इंटू बी मैग्नेटिक हो जाएगा। डायरेक्शंस इसको ऐसे घुमाएंगे इधर की तरफ, ये वाला डायरेक्शंस फोर्स का हो जाएगा और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आइडियल बी साइन थीटा। तो आई बोले तो 4 एम्पियर, डीएल बोले तो लेंथ 2 मीटर, इंटू मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला, साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री है, तो 1 4 2 जा 8, 5 जा 40,
न्यूटन। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये करंट कैरिंग वायर है, यहां वायर की लेंथ 3 मीटर है, करंट इसमें 1 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर का है 10 टेस्ला, देन फोर्स क्या होगा आप निकालो। डायरेक्शंस भी साथ में फाइंड करना है बच्चों, डायरेक्शंस भी साथ में फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन है, करंट इधर की तरफ आ रहा है 5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का है 20 टेस्ला, लेंथ ऑफ वायर 5 मीटर है, फोर्स क्या होगा। डायरेक्शंस फाइंड करना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, डायरेक्शंस फाइंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर, वायर की लेंथ है 3 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का है, डॉट नेचर का है 2 टेस्ला, फोर्स क्या होगा। इस वाले में अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं, आईडीएल क्रॉस बी तो नीचे की तरफ, यहां फोर्स नीचे की तरफ होगा। डायरेक्शंस निकालिए और वैल्यूज की हो जाएगी 1 × 3 × 10 30 न्यूटन। इस वाले में आइडियल क्रॉस भी तो फोर्स इधर की तरफ हो जाएगी, देखो आप फोर्स जो है इधर की तरफ हो जाएगी, फोर्स इस डायरेक्शंस में हो जाएगी, ये वाला डायरेक्शंस में हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 एम्पियर × 20, 100 × 5, 500 न्यूटन। और यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शंस में होगा और वैल्यू हो जाएगी उसकी 2 × 3, 6 × 2, 8, 6 × 2, 12, 12 न्यूटन। आ गया सभी को, एक का आ गया है, बाकी लोग दिखाएं। डायरेक्शंस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है डायरेक्शंस का। डायरेक्शंस का ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। सबको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें करंट आ रहा है आई, करंट ऐसे आई फ्लो हो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, करंट जा रहा है आई, साइड की जो लेंथ है वो एल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये एल लेंथ है, साइड की लेंथ एल है, और मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और वो क्रॉस नेचर का है, नहीं क्रॉस नेचर नहीं, मैं दे देता हूं पैरेलल टू ए सी, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ए सी, और उसकी मैग्नीट्यूड बी है, बी है, देन फाइंड फोर्स ऑन ईच पार्ट, हर एक पार्ट पे फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन ईच पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ये, देखिए प्यारे बच्चों,
पहले हम लगाते हैं फोर्स ऑन एसी, पहले हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन एसी। तो अगर फोर्स ऑन एसी कैलकुलेट करने जाएंगे, एसी वायर में करंट जा रहा है आई इधर की तरफ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ है बी, तो थीटा की वैल्यू हो गई जीरो। इसलिए फोर्स आईडीएल क्रॉस बी मतलब आईडीएल बी साइन थीटा, और थीटा है जीरो इसीलिए हो गया जीरो। तो इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू जीरो हो गया। ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड में फोर्स ऑन ए बी, अगर मैं फोर्स ऑन ए बी की बात करूं तो ए बी ऐसा है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, इसमें करंट आ रहा है आई और मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, ये एंगल है 60 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, ठीक है। आईडीएल का डायरेक्शन ये वाला, देखो आईडीएल का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, आईडीएल का डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा। तो आईडीएल और बी के बीच का एंगल ये 120 डिग्री यूज होगा, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री यूज होगा प्यारे बच्चों। तो फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन 120, साइन 120 की वैल्यू √3/2, तो ये हो गया √3 ILB/2, ये हुआ फोर्स की वैल्यू। डायरेक्शंस ऑफ फोर्स यहाँ से डायरेक्शंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आएगा, मतलब वो पॉइंट पे देखिए आइडियल इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर घुमाना है। आप अगर देखेंगे तो आइडियल इधर जाना, मैग्नेटिक फील्ड इधर से थे, जैसे इसको कर्ल करेंगे तो ये बाहर की तरफ था, आउट ऑफ द प्लेन। जो डायरेक्शंस होंगे फोर्स का, जो फोर्स का डायरेक्शंस होंगे ये डॉट नेचर का है, मतलब डायरेक्शंस आउट ऑफ प्लेन है। तीसरा फोर्स ऑन बीसी, तो बीसी ऐसे है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ये एंगल 60, इसका मतलब ये एंगल 120, और करंट भी इसमें ऐसा ही जा रहा है, तो सेम चीज होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, वो हो जाएगा आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन 120 √3/2। बट डायरेक्शंस देखो, करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, करंट इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो ऐसे घुमाएंगे अंदर की तरफ, इनवर्ड प्लेन। जो डायरेक्शंस होंगे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शंस होगा वो क्रॉस होगा इनटू द प्लेन, फोर्स इनटू द प्लेन। क्या आप सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ। फोर्स इनटू द प्लेन, क्या आप सभी को डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड समझ में आ गया बच्चों? क्या आप सभी को फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस क्लियर हो गया? क्या आप सभी को फोर्स और मैग्नीट्यूड के डायरेक्शंस क्लियर हो गए? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सर एक बार फिर से समझाएं, सर डॉट और क्रॉस कैसे पता चलता है?
अगर प्लेन के अंदर जा रहा है तो क्रॉस, और प्लेन के बाहर आ रहा है तो डॉट। जैसे वो हाथ घुमाने से, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शंस निकालना है। राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शंस निकालना है, ऐसे हाथ घुमा करके, जिधर करंट जा रहा है, जिधर पहला वेक्टर जिधर है उधर आप ये वाला पार्ट रखिए, या ये रखिए, या ये रखिए, कुछ भी ऐसा रखिए, या तो ये या ये या ये, तीनों में से कोई भी एक, और जिधर है दूसरा वेक्टर उसके तरफ घुमा दे। अगर मान लीजिए ये है करंट वेक्टर, आइडियल वेक्टर, तो ये रख दिया हमने इसके ऊपर, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है तो इसके इधर की तरफ घुमाया, तो ये आउट ऑफ प्लेन आ गया हमारे पास। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो हमको ऐसा रखना पड़ेगा और फिर ऐसे घुमाने पड़ेंगे, तो फिर ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा हमारा फोर्स का। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो ऐसा रखें, बाहर की तरफ घुमाएं, मतलब हाथ घूमना चाहिए, हाथ घुमाए, ये वाला डायरेक्शन हमारा फोर्स का हुआ। राइट हैंड थंब रूल लगाना है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। ओके, इसमें देखो आइडियल, फिर से एक बार समझा देता हूं, ये आइडियल वेक्टर इधर की तरफ है, आइडियल वेक्टर इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल 120, मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीट्यूड लिख लिए, बात डायरेक्शंस की है, तो डायरेक्शंस के देखिए, ये इधर है ये इधर है, तो आप इसके ऊपर अपना हाथ रखें, इसके तरफ घुमाएं, इसके ऊपर अपना हाथ रखें और ऐसे घुमाएं, तो ऐसे जब घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ निकलेगा, प्लेन से बाहर निकलेगा, प्लेन से बाहर की तरफ निकलेगा, तो इसीलिए यहां पे हमने दिए हैं डॉट, इसीलिए हमने यहां पे दिए हैं डॉट, इसीलिए हमने यहां पे डॉट दिए हैं, ठीक है, प्लेन से बाहर की तरफ निकलेगा। उसी तरीके से फोर्स ऑन बीसी, फोर्स ऑन बीसी, तो उसमें फोर्स इधर, करंट आइडियल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ऐसे तो हाथ घूमेगा नहीं, तो हमको ऐसा करना पड़ेगा उल्टा, ऐसे करके घुमाएंगे तो ये अंदर की तरफ गया, इसलिए क्रॉस। आज का टाइम हो गया है, आज की क्लासेस यहीं रहने देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक है, होमवर्क देते हैं आपको, एससीवी सॉल्व करें। नीट वाले सीपी सिंह रीड करें, चलो बाय।